और आप देख रहे हैं निक्सा न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली के सियासत को लेकर। हाँ, जब से आपको बता दें आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री बनी है, तब से दिल्ली के सियासत में बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी का नाम सीएम पद के तौर पर आगे किया जा रहा है। आतिशी मार्लेना और जिस तरीके से स्मृति ईरानी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के सामने होंगी, क्या इसका परिणाम देखने को मिलेगा? और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन सकते हैं। जी हाँ, जनता को अब कहीं ना कहीं जोड़ने का काम कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और उनको चाहते हैं कि अपने पाले में लिया जाए। अब ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई नजर आई थी, अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक चल के वो जगह ही बंद कर दी, वो लाइन ही बंद कर दी, जिससे भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर हो पाए। जी हाँ, ईडी सीबीआई के मामले में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल तीनों जेल में बंद थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया है कि उनको मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब जेल में रहकर प्रेशर बनाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आप मुख्यमंत्री पद के लिए इस्तीफा कहीं ना कहीं दे दीजिए, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद जिस तरीके से ये चाल अरविंद केजरीवाल ने चली है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो उनकी रणनीति है वो बेहद आगे तक है, क्योंकि एक बार उनको अगर जेल से बेल मिल गई तो कहीं ना कहीं जनता के मन में विश्वास जगाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल है, अगर वो सीएम पद के दावेदार के तौर पर बनते तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी ये रहता कि वो भ्रष्टाचार करके आए हैं, ईडी सीबीआई के मामले में जेल जाकर आए हैं। यही कारण है कि इतना कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए। और इसका फायदा भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनता के मन में यह साफ होता हुआ नजर आएगा कि अरविंद केजरीवाल तो बेगुनाह है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से केजरीवाल को इस्तीफा देने से पहले जेल वाला सीएम, बेल वाला सीएम बोलती हुई नजर आई थी, उसके बाद तो कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर भी तिलमिला रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। दिल्ली के इतिहास में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे बड़े भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण ज़रूर किया है, लेकिन ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदल डाला, जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की आम लोगों की ज़िंदगी को बदल डाला। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान का, एक गरीब इंसान का दर्द समझा, उनके रोज़ रोज़ का संघर्ष समझा। उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरह से अपना घर चलाना मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बदल डाला, उनको जिंदगी में एक नया अवसर, आगे बढ़ने का अवसर दिया। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को शिक्षा में, रोजगार में आगे बढ़ने का मौका दिया फ्री बस यात्रा देके। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज दिल्ली के लोगों को अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने के लिए अपने गहने नहीं गिरवी रखने पड़ते, अपने घर नहीं गिरवी रखने पड़ते, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है। तो जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो ये हम सब के लिए एक बहुत मुश्किल और एक भावुक घड़ी। आज क्यों अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं?
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको इन झूठे फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा, उनको तोड़ने की, उनको दबाने की हर संभव कोशिश करी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी टूटे नहीं, अरविंद केजरीवाल दबे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, एक ऐसे कानून में जमानत दी जिसमें पीएमएलए में जमानत मिलना लगभग असंभव होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उन्हें बेल दी बल्कि बेल देते हुए केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। ये कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई ईडी पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती हैं। हो सकता है कि कोई और नेता होता तो उनके लिए अदालत का यह फैसला काफी था और वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, और जब तक दिल्ली की जनता मुझे नहीं कहती कि मैं ईमानदार हूं तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा, ऐसी ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल रही होगी जो आज अरविंद केजरीवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है। अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है, अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी अपना षड्यंत्र रच के उसको खत्म कर देगी। जो सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बदहाल हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी। तो 2 करोड़ दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगले 4 महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा कि जो दिल्ली वाले परेशान रहे पिछले 1.5 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र शुरू हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे मंत्रियों को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के काम रोकने शुरू किए, आप देखिए पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल गए दिल्ली वाले भी परेशान हुए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के पानी के बिल हम ठीक करना चाहते थे उन्होंने उस काम को रोक दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़क के रिपेयर के काम है वो रोक दिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके एलजी साहब ने अस्पताल में मिलने वाली दवाइयां रोक दी, अस्पताल में और मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट रोक दिए, दिल्ली से कूड़ा उठना रुक गया। लेकिन मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में कूड़ा भी उठेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे, दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी, जो दवाइयां नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र हम सफल नहीं होने देंगे। थैंक यू।